नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूरो महाद्वीप की प्राकृतिक प्रदेश एवं अफवाह प्रणाली के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं इसका जो प्राकृतिक प्रदेश फिजिकल डिवीजन है उनके बारे में। यूरो महाद्वीप में काफी प्राकृतिक दृष्टि से काफी विविधता है। इसमें इसका जो उत्तरी भाग है आर्कटिक महासागर के आसपास का, वहां पर हमेशा हिम बर्फ जमी रहती है। उसके साथ साथ में ही यहाँ पे जो नॉर्वे और स्वीडन का ये जो भाग आप देख रहे हो, यहाँ पे कैलिडोनियन काल के या श्रेणी के यहाँ पे जो पर्वत है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी के साथ में ही जो स्कॉटलैंड का कुछ पार्ट है वहां पर भी कैलिडोनियन जो काल है या कैलिडोनियन श्रेणी है उसकी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जाती है। उसके अतिरिक्त यदि देखें प्राकृतिक दृष्टि से तो जो पठारी भूभाग है जैसे फ्रांस का मध्यवर्ती भाग है, यहाँ का पठारी भूभाग सेंटर में है और इसको सेंटर मैसिव के नाम से जानते हैं। सेंट्रल मैसिव स्पेन और फुटकार का जो फटारी भूभाग यहाँ पर जो मैं मानचित्र में दर्शा रहा हूँ इसको मैसेटा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ही इस वादे में जो नवीन वलित पर्वतमालाओं की यदि बात करें तो आल्पस पर्वतमाला है वो स्वीडन फ्रांस और इटली आल्पस या एड्रियाटिक सागर के पास में जो बाल्कन स्टेट है यहाँ पर जो पर्वतमाला है उसको दिनारी काल्पस सर्बिया मोंटेनिग्रो यहाँ पे नवीन वलित पर्वतमाला इसका नाम है कार्पेथियन काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसका नाम है कॉकेसस। और एक कॉकेसस पर्वतमाला है इसमें यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस स्थित है जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। कैस्पियन सागर इसका सबसे लोवेस्ट यानी निम्नतम स्तर है जो महासागर तल से 28 मीटर नीचा है। इसके अतिरिक्त इसमें यदि ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में वास देस फ्रांस में
जुरा फ्रांस जर्मनी की बॉर्डर पे पड़ता है। इसके साथ साथ में ही इसका जो हंगरी और यूक्रेन यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। हंगरी में इनको पोस्ताज और यूक्रेन में स्टेपी के नाम से इनको जाना जाता है। इस प्रकार से ये वादी फिर प्राकृतिक दृष्टि से या फिजियोलॉजी की दृष्टि से ये काफी विविधता रखता है। इसमें यदि इसके सागर और खाड़ियों की यदि बात करें तो ये बाल्टिक सागर, ये उत्तर सागर, उत्तरी सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली नहर है, कील नहर है। और इसी की जो सबलेट्स है, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड के बीच में, एस्टोनिया लातविया के बीच में, रीगा की खाड़ी, यहाँ पर बैरेंट्स सागर, श्वेत सागर जो आर्कटिक के महासागर है उसके पार्ट है, यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूके को अलग करने वाला इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में, यहाँ पर जो आइबेरियन प्रायद्वीप यानी आपका स्पेन है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रिटिश कॉलोनी है जिब्राल्टर, जिसको भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ ये सिसली, सिसली द्वीप है आपका, इटली, कोर्सिका, सार्डिनिया, माल्टा का छोटा सा देश, एड्रियाटिक सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। तो इस प्रकार से ये जो वादी है वो प्राकृतिक दृष्टि से यानी इसमें काफी विविधता है। प्राचीन पर्वतों से लेकर नवीन वलित पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं हैं वो इसमें पाई जाती है। इसका अफवा प्रणाली की यदि बात करें तो अफवा प्रणाली में इसकी मुख्य मुख्य नदियों की यदि बात करें, कैस्पियन सागर में इसकी दो महत्वपूर्ण नदियां यूराल पर्वत श्रेणी की वहां से निकलकर यूराल नदी कैस्पियन सागर में और इसी मास्को के पास से निकल कर वोल्गा नदी है वो भी कैस्पियन सागर है उसमें गिरती है। यूराल और वोल्गा यूरोप वादी की सबसे लंबी नदी है। और इसके अतिरिक्त यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी है वो यहाँ जर्मनी में बहते हुए ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया होते हुए काला सागर में ये नदी है अपना जल है उसको मिलती है डेन्यूब। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से इसका उद्गम है। जर्मनी में बहती पूर्व की ओर बहती है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से होते हुए हंगरी, इसकी राजधानी रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से होते हुए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए या तो सर्बिया क्या सर्बिया है उससे भी बिल्कुल सर्बिया मॉन्टेनेग्रो जो बेलग्रेड राजधानी है उससे ये आपकी काला सागर है उसमें गिरती है। एक ऐसी नदी है जो चार देशों की राजधानियां है, ऑस्ट्रिया की वियना, हंगरी की बुडापेस्ट, रोमानिया की बुखारेस्ट और सर्बिया की बेलग्रेड, ये चार राजधानी नगर है वो इस नदी के किनारे पर स्थित है और यूरोप वादी की महत्वपूर्ण नदी है। यहीं से जो आल्पस है यहाँ से
राइन नदी है वो जर्मनी से निकलते हुए, जर्मनी से बहते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए नीदरलैंड में जो उत्तरी सागर है वहां पर अपना जल है वो गिराती है राइन नदी। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे जो अंतर स्थलीय जलमार्ग है उनमें सबसे व्यस्ततम बिगेस्ट रिवर है और फ्रांस में यदि देखें तो यहाँ पर इसकी तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी है जो इसके सेंट्रल मैसिप यानी मध्यवर्ती कटारी विभाग यहाँ से निकलकर भूमध्य सागर में मार्सिलीज के पास में भूमध्य सागर में ये नदी गिरती है, इसका नाम है रोन। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण नदी है वो भी सेंट्रल मैसिप से निकलकर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए जो इंग्लिश चैनल है सॉरी बिस्के की खाड़ी है वहां पर ये नदी है वो अपना जल है वो गिराती है और इसका नाम है सीन नदी जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस वो इस नदी के किनारे स्थित है। इसकी एक महत्वपूर्ण नदी और है वो भी सेंट्रल मैसिप से निकलकर बिस्के की खाड़ी में गिरती है ल्यूरे और ये इस नदी के किनारे इसके महत्वपूर्ण शहर बोर्डो है वो स्थित है। इटली की महत्वपूर्ण नदी जो इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा से निकलकर जो एडियाटिक सागर है उसमें अपना जल गिराती है इसका नाम है पो। इसको इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इटली की दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी है टाइबर जिसके किनारे इसकी राजधानी है रोम है वो बसी हुई है टाइबर। इसके साथ साथ में ही अब जो काला सागर में गिरने वाली नदियां हैं जैसे नीपर है निस्टर है डोन है ये काला सागर में गिरने वाली नदियां हैं और ये संपूर्ण नदियां मिलकर ये इस पूरे महाद्वीप का है। इसके साथ में ही देखिए यहाँ पर टेम्स नदी जिसके किनारे आपका लंदन बसा हुआ है ये यूनाइटेड किंगडम की महत्वपूर्ण नदी है और इस प्रकार से ये जो नदियां हैं वो इसकी अफवाह प्रणाली है उसका निर्माण करती है।